किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको। हमने प्रथम दिवस से कहा है, पुत्र एक कुल के लिए कुल दीपक कहा गया, लेकिन पुत्री दो कुलों को पवित्र करने वाले। क्योंकि महाराज, यदि स्त्री के जीवन में समन्वय है, स्त्री के जीवन में त्याग है, तपस्या है, शीलता है, सदाचार है, तो ही परिवार आज चल पा रहा है, वरना बड़ा मुश्किल। मानसकार दर्शन करा रहे, अग्नि परीक्षा किसकी होती है, किसकी होती है? ये केवल त्रेता की बात नहीं है, आज भी होती है, किसी अलग रूप में हो सकती है, पर परीक्षा इन देवियों की ही होती है। और ये देवी शक्ति मानसकार कहते हैं, जिस समय वन की भूमि में भगवान विराज रहे हैं, उस समय जब सीता जी के हरण की लीला होनी थी, तो उससे पहले भगवान ने एक दिन एकांत में कहा, जब लक्ष्मण जी भी नहीं है उस समय, लक्ष्मण गए बने ही जब लेन मूल फल कंद, लक्ष्मण जी भी नहीं है, श्री भगवान राम जी और जानकी मैया। राम जी ने कहा कि हम आपसे कुछ चाहते, सीता जी बोली क्या? भगवान ने कहा हम कोई लीला करना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप अग्नि में निवास करो। अब सोच कर देखो कि अगर यहाँ जानकी जी की जगह कोई और होता, तो ये कोई सरल बात थी? ये कोई ऐसी बात थोड़ी थी कि हम कहीं जा रहे हैं या हम किसी काम से दो चार दस दिन के लिए जा रहे हैं, तो जब तक आप 5 स्टार में रहो बाद में बुला लेंगे। भगवान ने क्या कहा? तुम पावक मह करहु निवास, आप अग्नि में निवास करिए। सहज नहीं था महाराज, लेकिन सहज होता तो आदर्श भी नहीं बनता। कहते हैं ना, जो अपने घरों में एसी रूम में बैठा है, वो बाहर की गर्मी की क्या व्याकुलता है उसको कैसे समझेगा? नहीं समझ सकता। जिसका पेट जरूरत से ज्यादा भरा है, वो भूख से क्या व्याकुलता होती है उसको समझ ही नहीं सकता। जिसको कभी कोई अभाव रहा ही नहीं, उसने सोचा और उससे पहले पूर्ति हो गई, तो वो अभाव क्या होता है जान ही नहीं पाएगा। इसीलिए जीवन में जिन्होंने त्याग किया, आदर्श भी उन्हीं ने बनाया। जो घर में बैठे रहे वो आदर्श थोड़ी बन पाए।